हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ट्रिपल IQ। और आज मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बताऊंगा जो कि एसी फंडामेंटल से है। और इस लेक्चर में थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई होगा न्यूमेरिकल्स का, तो थोड़ा सा पेशेंस रख करके आप समझिएगा। और अगर आपने दो पहले का लेक्चर नहीं देखा है, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो उसको आप देख लीजिएगा, तभी यहाँ पर आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन बोल रहा है आपके पास एक कॉइल है और इस कॉइल का रेजिस्टेंस दिया हुआ है और इंडक्टेंस आपका दिया हुआ है, और ये कॉइल जो है पैरेलली कनेक्टेड है एक और सर्किट के साथ जिसमें आपका 75 ओम का रेजिस्टर है और इसी के सीरीज में आपका 159 माइक्रोफराड का कैपेसिटर लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग अपना कॉइल का रिप्रेजेंट करते हैं। ये कॉइल के चलते आपका रेजिस्टेंस हो गया और ये आपका इंडक्टेंस हो गया। ये 50 ओम दिया हुआ है, ये आपका 318 मिली हेनरी, और इसी के पैरेलल में आपका एक रजिस्टर लगा हुआ है, इस रजिस्टर के सीरीज में कैपेसिटर लगा हुआ है। ओके, इसका वैल्यू दिया हुआ है आपका 75 ओम और यहाँ पे आपका 159 माइक्रो फराड, और इसको हम लोगों ने एसी सोर्स से कनेक्ट कर रखा है जिसका वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। वोल्टेज है आपका 230 वोल्ट और 50 हर्ट्स आपका सप्लाई फ्रिक्वेंसी है। आपको यहाँ पे अगेन सप्लाई करंट बताना है, यानी यहाँ से कितना करंट आ रहा है, और आपको इस पूरे सर्किट का पावर फैक्टर बताना है। सबसे पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए, जब भी आप बुक को फॉलो करेंगे तो एसी पैरेलल सर्किट से जस्ट पीछे में एक और टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं फेजर अलजेब्रा। क्योंकि फेजर अलजेब्रा का अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है तो कभी भी आप एसी पैरेलल सर्किट नहीं समझ पाइएगा, या फिर कहिए आप एसी नेटवर्क थ्योरम नहीं समझ पाइएगा। तो जब हम लोग फेजर अलजेब्रा पढ़ते हैं तो फेजर अलजेब्रा के अंदर ही आपका आता है अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, या फिर कहिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आपका कोई डाटा दिया हुआ है तो इसको कैसे हम लोग पोलर फॉर्म में चेंज करें, ठीक है, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर को ही हम लोग बोलते हैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर फॉर्म। ओके, तो अभी देखिए, जैसे अगर हम लोग रेक्टेंगुलर फॉर्म की बात करें तो किस में लिखा रहेगा, ए प्लस जे बीटा, और अगर इसको मैं न्यूमेरिक वैल्यू से समझाऊं तो मान लेते हैं आपका 2 प्लस J3 है, ठीक है। तो अगर इसको मैं ग्राफ पे लोकेट करूं, क्योंकि ये मेरा रियल पार्ट है और ये मेरा इमेजिनरी पार्ट है, तो मुझे ग्राफ पे दिखाना होगा, ये आपका हो गया रियल एक्सिस और ये हो गया आपका इमेजिनरी एक्सिस। आपका यहाँ पे पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये एक्स एक्सिस का नेगेटिव और ये आपका वाई एक्सिस का नेगेटिव, ठीक है। तो मेरा जो रियल पार्ट है ये 2 है, यानी पॉजिटिव है, तो मैं यहाँ से इसको दिखा देता हूँ। मान लेते हैं ये मेरा 2 है, ओके, और ये मेरा मान लेते हैं 3 है, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट है तो इमेजिनरी एक्सिस पे दिखाना होगा। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट क्या मिलेगा, इसी तरीके से मिलेगा ना, इन दोनों का जो फेजर सम होगा ये मेरा रिजल्टेंट कहलाएगा। ओके, ये मेरा रिजल्टेंट है। तो कहने का क्या मतलब है, ये क्या है आपका एक वेक्टर है ना, ये समझ रहे, जो रिजल्टेंट मिला ये एक वेक्टर है, ठीक है, और इसका अपना क्या है, कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, यानी मतलब इसका एक मैग्नीट्यूड होगा। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे हम लोग, रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करके। ओके, और एंगल की बात करें तो एंगल हो जाएगा आपका टैन इनवर्स, ये हो जाएगा आपका 3 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो अगर आपका कोई भी नंबर इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया हुआ या फिर कहिए रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया हो, तो आपने कैसे रिप्रेजेंट किया एक्सिस पे, ये आपने रिप्रेजेंट किया है, ये मेरा रियल पार्ट है और ये मेरा इमेजिनरी पार्ट है, या फिर मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं, ये मेरा एक्स कॉम्पोनेंट है और ये मेरा वाई कॉम्पोनेंट है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था जब आप एक्स कॉम्पोनेंट और वाई कॉम्पोनेंट को जोड़ेंगे, फेजर सम करेंगे, तो आपको हमेशा क्या मिलता है, एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है, जो कि आपको यहाँ पे मिला, ठीक है। या फिर कहिए अगर मैं डायरेक्ट इस वेक्टर को दिखाऊं, यानी ये जो आपका रिजल्टेंट मिला है इसको अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, तो आप कह सकते हैं ये जो वेक्टर है इसको आप दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, एक होगा इसका इमेजिनरी पार्ट और एक होगा आपका रियल पार्ट, ठीक है। तो इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया हुआ है ना, ये खुद में क्या है, एक्स एक्सिस सॉरी एक्स कॉम्पोनेंट और वाई कॉम्पोनेंट में ब्रेक हो रखा है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा आप।
और भाई अगर पोलर फॉर्म की बात करें, अगर मुझे इसको पोलर फॉर्म में चेंज करना, तो पोलर फॉर्म को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, आर, और इसका एंगल होता है यहाँ पे थीटा। ठीक है, आर क्या है आपका, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड अभी जस्ट मैंने निकालना सिखाया, ठीक है, और एंगल अभी जस्ट हम लोगों ने देखा टैन इनवर्स। और ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है ना, इसे मैंने आपको बताया फेजर अलजेब्रा में, और चैनल पे भी लेक्चर अपलोडेड है, उसको आप एक बार वॉच कीजिएगा। अब हम लोग अपने न्यूमेरिकल्स के ऊपर आएंगे, अभी हम लोग अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो अगेन यहाँ पे दो ब्रांच है, तो हम लोग इसको फेजर डायग्राम वाले मेथड से सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपना फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं, वोल्टेज को मैं यहाँ पे रेफरेंस ले ले रहा हूँ। अब देखें, क्योंकि ये मेरा आईएल करंट है, तो इस पॉइंट पे आते हैं क्या होगा, दो पार्ट में टूटेगा। ओके, इधर मान लेते हैं मेरा I1 जा रहा है, और इधर मान लेते हैं मेरा I2 जा रहा है। तो I2 की बात करें, क्योंकि यहाँ पे R है और यहाँ पे आपका L है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इस ब्रांच में जो आपका I2 करंट जा रहा है, ये वोल्टेज से कुछ ना कुछ एंगल लैग करेगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं इस तरीके से इसको लैग करवा देता हूँ, ये आपका I2 है। ठीक है, अब एक चीज़ और समझिए, ये I2 का लाइन, ये जो मैग्नीट्यूड मैं दिखाऊंगा कितना बड़ा होगा, I1 से बड़ा दिखाना होगा या फिर I2 से छोटा दिखाना होगा, इसके लिए हम लोग क्या करना होगा, मैग्नीट्यूड निकालना होगा। तो सबसे पहले हम लोग मैग्नीट्यूड ही निकाल लेते हैं। I2 की बात करें तो क्या होगा आपका वोल्टेज, क्योंकि मेरा पैरेलल में तो सबके पास वोल्टेज सेम होगा 230, और वोल्टेज मैंने रेफरेंस लिया, इसका मतलब क्या, इसका मैं 0 डिग्री ले लूंगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय इम्पिडेंस। इम्पिडेंस की बात करें तो क्या होगा, जेड बराबर हम लोग लिखेंगे आर प्लस जे एक्सएल। ठीक है, क्योंकि मेरा यहाँ पे एल का वैल्यू दिया हुआ है ना, इंडक्टेंस दिया हुआ है, तो मुझे एक्सएल फाइंड आउट करना होता है। एक्सएल की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई, एफ की जगह मैं 50 लिखूंगा, और एल हो जाएगा आपका 318 × 10⁻³, ये हेनरी में हो गया आपका। यहाँ से जब आप एक्सएल निकालिएगा तो ये हो जाएगा आपका 100 ओम। ओके, तो अभी देखिए, तो अगर मैं यहाँ पे इम्पिडेंस की बात करूँ, तो आर कितना है मेरा, 50 + j, एक्सएल कितना आ गया मेरा, 100 ओम। अब समझिए, क्योंकि मेरा ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया हुआ है, या फिर कहिए रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया हुआ, और ये जो मैंने वोल्टेज लिया ना, ये वोल्टेज आपका किस में है, पोलर फॉर्म में है। ठीक है, तो इसको भी मुझे कन्वर्ट करना होगा पोलर फॉर्म में। वैसे भी हम लोग को देखें, अगर डिवाइड करना हो और मल्टीप्लाई करना हो, तो हम लोग इसको पोलर फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, कहने का मतलब, एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं ए एंगल 10 डिग्री है, ठीक है, और एक मान लेते हैं बी एंगल 30 डिग्री है। ओके, इसको 30 कर लेते हैं, या फिर 5 डिग्री रहने देते, ज़्यादा बेटर होगा। तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका सिंपली ए डिवाइडेड बाय बी, और एंगल की बात करें तो एंगल क्या हो जाएगा, 10 - 5, यानी एंगल मेरा होगा, ठीक है। तो डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन करना होगा, तो हम लोग को पोलर फॉर्म ज़्यादा कॉन्वीनियंट होता है, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, आई मीन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन नहीं आता। और वही अगर ऐड करना हो, ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में वैल्यू को रखेंगे। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीज़ है आपका, अगर बेस स्ट्रांग है पहले से, अगर आप फॉलो करते आ रहे हैं, तो आपको ये सब पता होगा। ठीक है, इसको अभी मुझे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, तो पोलर फॉर्म में कहने का मतलब मुझे मैग्नीट्यूड निकालना होगा। तो मैग्नीट्यूड कहने का मतलब 50 का स्क्वायर + ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 112, और एंगल वही टेन इनवर्स करके 100 / 50 करेंगे, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका 63.5 डिग्री ओम, क्योंकि इम्पिडेंस है तो यूनिट ओम में आएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है, इस जेड की जगह हो जाएगा मेरा 112 एंगल 63.5 डिग्री। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, तो I2 यहाँ से आएगा आपका, देखिए ये आ जाएगा आपका 2.05 एंगल -63.5 डिग्री। बिल्कुल सही, माइनस में ही होगा, क्योंकि जीरो में से माइनस करें, ऊपर वाले में से माइनस करते हैं, ठीक है, और 230 को 112 से सिंपली डिवाइड कीजिएगा, तो इतना आएगा 2.05 एम्पियर। ओके, इसी तरीके से, और यहाँ पे देखिए, ये पोलर फॉर्म में ही, आई मीन रेक्टेंगुलर, सॉरी पोलर फॉर्म में ही आएगा ये, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू को पोलर फॉर्म में रखा हुआ है। अब देखिए, अब इसी तरीके से अगर मुझे I1 का वैल्यू चाहिए, तो I1 इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, वोल्टेज यानी 230 डिवाइडेड बाय इम्पिडेंस यानी जेड। तो इस पूरे सर्किट का इम्पिडेंस कैसे निकालेंगे हम लोग, जेड इक्वल टू होगा ये 75 - j159। ओके, तो अभी इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, तो अगेन मुझे क्या करना होगा, इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में चेंज कर, आई मीन पोलर फॉर्म में चेंज करना होगा ना, ठीक है, तो यहाँ पे अगेन 75 का स्क्वायर प्लस
और ये माइनस है तो माइनस कर देता हूँ मैं, क्योंकि स्क्वायरिंग करने के बाद वही होगा, मैग्नीट्यूड तो आपका ऐड ही होगा ना, डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हैं, तो उसका वैल्यू आएगा आपका 77.6, और एंगल निकाल लीजिएगा तो यह आ जाएगा आपका -15 डिग्री ओम। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, 77.6 एंगल -15 डिग्री, और यहाँ से जब आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आपका I1 का वैल्यू आ जाएगा 2.96, और एंगल होगा आपका, क्योंकि ये एंगल 0 है ना, तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट 15 डिग्री। ओके, तो अभी देखिए, तो I1 और I2 आपको पता है, अब दोनों में कंपेयर कर सकते हैं, तो ये दोनों क्या है, बहुत ही आगे पीछे, ज़्यादा नहीं है, ये 2 है, ये 2.9 है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे I2 को छोटा रखना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आइडिया लग गया होगा कि मैं सब क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको थोड़ा मैं मिटा देता हूँ ताकि हम लोग के पास स्पेस बन जाए फेजर डायग्राम के लिए। ओके, तो इसको भी यहाँ से मिटा देता हूँ और नीचे बनाएंगे हम लोग। देखिए, वोल्टेज को मैंने रेफरेंस ले लिया है, और अगर मुझे I2 दिखाना हो तो ये आपका लैग करेगा कुछ ना कुछ एंगल से। ये मैंने I2 दिखा दिया, और ये मान लेते हैं मेरा 5-1 एंगल से लैग कर रहा है। ओके, और भाई अगर मैं I1 की बात करूँ, क्योंकि ये रेजिस्टेंस और यहाँ पे कैपेसिटेंस लगा हुआ है, इसमें तो क्या कुछ ना कुछ करंट वोल्टेज से लीड करेगा, तो ये मान लेते हैं आपका, और थोड़ा सा लाइन बड़ा बना दे रहा हूँ क्योंकि एक्चुअल में आपका बड़ा है, ये मान लेते हैं 5-2 एंगल से लीड कर रहा है। अब मुझे यहाँ पे बोला है टोटल करंट, तो टोटल करंट कहने का मतलब I1 और I2 का क्या होगा, फेजर सम होगा, ठीक है। फेजर सम कहने का मतलब अगेन मुझे क्या करना होगा, इसको एक्स कॉम्पोनेंट और वाई कॉम्पोनेंट में ब्रेक करना होगा। लेकिन अभी रुकिए, उतना करने का जरूरत नहीं है। अगर मैं देखिए, पहले दोनों तरीके से बता देता हूँ मैं। सबसे पहले ये जो आपने करंट निकाला है ना, ये किस में है आपका, पोलर फॉर्म में। इसको मैं अगेन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेके आता हूँ, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखने क्या करना होता है, आर और अंदर में होता है cos φ + j sin φ, ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है। तो इसको जब आप ब्रेक कीजिएगा तो एक होगा r cos φ, फाई का मतलब ये वाला एंगल रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे जो एंगल है, प्लस ये हो जाएगा आपका j, बेसिकली r into j sin φ, ठीक है, इस तरीके से आप ब्रेक करके। तो ये सब आपको पता होगा, डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, तो I2 का वैल्यू आ जाएगा आपका 0.91 - j 1.83 एम्पियर। और वही I1 की बात करें तो I1 का आ जाएगा आपका 2.86 + j 0.766 एम्पियर। ओके, अब देखिए, अभी जस्ट मैंने आपको बताया ये क्या है, इस तरीके से आपने ब्रेक कर लिया, इसका मतलब क्या है, ये खुद का रियल पार्ट है, ये खुद का इमेजिनरी पार्ट है, मतलब ये आपका एक्स कंपोनेंट है और ये आपका वाई कंपोनेंट है, इसमें भी अगेन ये एक्स कंपोनेंट और ये वाई कंपोनेंट, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, यानी टोटल करंट I, यानी यहाँ पे जो IL करंट आ रही है, क्या हो जाएगा आपका I1 + I2, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये आपका अलजेब्रिक सम नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ब्रेक कर रखा, तो I1 का वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ 0.91 + - यहाँ पे -j 1.83, ठीक है, ब्रैकेट बंद, प्लस है प्लस देंगे। अब I2 का वैल्यू पुट कीजिए 2.86 + j 0.766, ठीक है। अब देखिए, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ जोड़ेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ जोड़ेंगे, तो इसका जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, IL = हो जाएगा आपका 3.77 - j 1.06 एम्पियर। तो अगेन इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका एक्स कंपोनेंट है और ये आपका वाई कंपोनेंट है, ठीक है। अगर आप इसको इस तरीके से दिखाते हैं तो क्या होगा, ये आपका मान लेते हैं इतना दूर 3.77 हो गया, और ये माइनस में, इसका मतलब क्या, मुझे यहाँ पे दिखाना होगा, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये आपका 1.0। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा इस तरीके से, ये आपका क्या मिलेगा, आपका करंट मिलेगा, ठीक है। ये करंट किस में मिलेगा आपको, पोलर फॉर्म में मिलेगा इसको, यानी पोलर फॉर्म में चेंज कर दिए, डायरेक्ट आपका IL हो जाएगा, मैग्नीट्यूड निकाले वही √3.77² + 1.06² तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका 3.92, और इसका कुछ एंगल होगा tan−1.06/3.77, ठीक है। तो करिएगा तो आपका यहाँ से आएगा -15.7 डिग्री एम्पियर, ये आपका लाइन करंट आया। ओके,
अब देखिए एक चीज समझिए, अब आप बोलिएगा यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो दोनों का फेजर सम होगा ना, इसको इसके पैरेलल लेकर के आना होगा। ठीक है, कलर चेंज करते हैं इसको, आप आई टू के पैरेलल लेकर के आइए। ओके, और सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, और इसको इसके पैरेलल लेकर के आइए। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, एक रिजल्टेंट करंट मिलेगा, और रिजल्टेंट करंट का कुछ ना कुछ एंगल भी तो मिलेगा, तो वही आपका एंगल यहाँ पे निकल करके आया है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पे पावर फैक्टर बताना है। देखिए वोल्टेज, ये है मेरा वोल्टेज कितने डिग्री पे है। पावर फैक्टर एक्चुअली होता क्या है, मेन वोल्टेज और मेन करंट। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ इस तरीके से, एक्चुअली ये करंट ऊपर जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन आया है। माइनस साइन आने का मतलब क्या हुआ कि आपका करंट जो है लीड कर रहा है वोल्टेज। ठीक है, तो ये अप्रोप्रिएट फेजर डायग्राम तो नहीं है, बस मैंने आपको मोटा मोटी बताया। ठीक है, तो करंट आपका जो रिजल्टेंट करंट होगा कहीं है, और इसके बीच में जो एंगल आ रहा है यही आपका 15.7। ठीक है, तो ये आपका मेन वोल्टेज हो जाएगा और ये आपका मेन करंट हो गया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वही क्या होता है, पावर फैक्टर डिफाइन करता है ना। ठीक है, तो कॉस, और यहाँ पे फाई का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 15.7। अब यहाँ पे माइनस प्लस नहीं पुट करना है, क्यों नहीं पुट करना है, क्योंकि आपको डायरेक्ट यहाँ पे पता चल रहा है माइनस आ गया, समझ तो क्या है लीड करेगा, फिर फेजर डायग्राम में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगर आप स्केल से पूरा प्रॉपरली ड्रॉ करते हैं, तो ये तो मैंने बस मैनुअली दिखा दिया यहाँ पे। तो इसका वैल्यू आ जाएगा, आई मीन पावर फैक्टर का वैल्यू आएगा यहाँ से आपका 0.963। ठीक है, यहाँ पे लैग होगा, ये लीड होगा, इसमें आप कन्फ्यूज नहीं हुए कभी भी। ओके, ये डिफाइन करेगा आपका जब आप प्रॉपरली फेजर डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, जैसे अगर आप माइनस और प्लस में कंफ्यूज होता है, माइनस है तो कब लीडिंग लेगा, माइनस ले आई मीन लैगिंग लेंगे, तो आप सिंपली फेजर डायग्राम प्रॉपर वे में ड्रॉ कीजिए, वहां से आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास एक इंडक्शन मोटर है, और ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। ठीक है, तो सबसे पहले जिन्होंने भी ट्रांसफार्मर का प्रॉपर वे में लेक्चर देखा होगा, करीब 51 लेक्चर्स मैंने दिए थे, तो उसमें आपको ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आया होगा सबसे पहले, कि ट्रांसफार्मर काम क्या करता है, फिर कैसे करता है। तो ट्रांसफार्मर अगर आप समझ जाते हैं, तो आपको सिंगल फेज इंडक्शन मोटर या फिर कहीं थ्री फेज इंडक्शन मोटर समझने में जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे ट्रांसफार्मर को लेकर के समझाता हूँ। ट्रांसफार्मर कुछ नहीं, आपका इसके अंदर दो वाइंडिंग होता है, एक वाइंडिंग मान लेते हैं ये है, और ये आपका दूसरा वाइंडिंग है। ओके, अब देखिए क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता, इसका मतलब क्या हुआ, पूरा का पूरा एनर्जी यानी प्राइमरी साइड का जो भी आपका पावर है वो ट्रांसफर होगा सेकेंडरी साइड के कॉइल के अंदर या फिर वाइंडिंग के अंदर, वो मैग्नेटिकली होता है। ठीक है, तो अगर मैं ड्रॉ करूँ तो आपका वाइंडिंग के चलते रेजिस्टेंस हो जाएगा, रिएक्टेंस हो जाएगा, और क्योंकि ये वाइंडिंग एक कोर पे लपेटा हुआ रहता है ना। ठीक है, तो इस कोर के चलते आपको, हम लोग कोर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था, रीजन दिया था कि हम लोग इसी तरीके से क्यों दिखाते हैं, आई मीन एक रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को पैरेलल में क्यों दिखाते हैं, सो सीरीज में क्यों नहीं दिखाया, या फिर कहीं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस क्यों नहीं लगाया, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टेंस क्यों नहीं लगाया, या फिर कहीं कैपेसिटर क्यों नहीं लगाया। ठीक है, तो सब चीज़ के पीछे रीजन होता है। तो ये आपका प्राइमरी साइड का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ओके, और इधर आपका सेकेंडरी साइड, तो सेकेंडरी साइड में आपका वाइंडिंग हो जाएगा, इधर आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा, और ये आपका लीकेज रिएक्टेंस हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे हम लोग सिंपली लोड लगाते हैं, और यहाँ से मान लेते हैं हम लोगों ने सप्लाई दिया। तो इंडक्शन मोटर जो है, सेम प्रिंसिपल होता है, बस ये जो सेकेंडरी है यहाँ पे इसको हम लोग शॉर्ट कर देते हैं। और अगर मैं मोटर वे में अगर दिखाऊं, ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लेते हैं ये मेरा पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो इस पर मुझे वाइंडिंग करना होगा। ओके, इस तरीके से मैं वाइंडिंग कर देता हूँ, और ये तार इधर से निकल करके इसको और थोड़ा बड़ा बना देते हैं हम लोग। ओके, देखिए यहाँ से दिखाते हैं, ओके, अगर आपको चार पोल बनाना है तो यहाँ पे एक और पोल लगा दीजिए इस तरीके से, और इसी तार को, जैसे ये तो आपका एक निकल गया ना बाहर, इधर निकाल लीजिए, अब इसी तार को क्या कीजिए, यहाँ पे भी लपेट दीजिए आप। ठीक है, आपके करंट के डायरेक्शन के हिसाब से ऑटोमेटिक यहाँ पे पोल बनेगा, या फिर बस यहाँ पे यही देखना है कि टर्न्स का जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से होना चाहिए कि एक नॉर्थ बन रहा है तो इसका बगल वाला साउथ बने, और ये आपका नॉर्थ बन रहा है तो अगेन यहाँ पे जो होगा आपका साउथ बने। ठीक है, तो इस तार को आप घुमा करके यहाँ पे ले आइए। ठीक है, तो यहाँ से जो तार है यहाँ पे जोड़ दीजिए, और ये जो तार निकला है इन दोनों में आप सप्लाई दे दीजिए, तो आपका यहाँ पे चार पोल क्रिएट होगा। ठीक है, ये आपका पोल बन गया, यानी यहाँ पे आपका
मैग्नेट आ गया, ठीक है। और बीच में हम लोग क्या करते हैं, अपने रोटर को प्लेस करते हैं। तो रोटर कुछ नहीं, आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, खासकर लो टॉर्क के लिए ज़्यादातर केज रोटर ही होता है। केज रोटर कहने का मतलब ये आपका कुछ इस तरीके का मोटा मोटा कॉपर का बार डाला रहता है इस तरीके से, ठीक है। और ये जो बार है इसको ओपन नहीं रखना होता, हमेशा क्या करते हैं एंड रिंग से इसको शॉर्ट कर देते हैं ताकि इसके अंदर क्लोज सर्किट फॉर्म हो सके। और क्लोज सर्किट क्यों जरूरी है, क्योंकि क्लोज सर्किट होगा तभी तो, देखिए अगर ये एंड रिंग ब्रेक है मान लेते हैं ऐसे टूटा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ईएमएफ तो इंड्यूस होगा लेकिन कभी भी करंट नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग इधर से देखेंगे, यानी इधर से देखेंगे टॉप व्यू से, सिर्फ सर्कल ही तो दिखेगा हम लोग को, समझ गए। तो वही ट्रांसफार्मर ही है इसमें, यानी एक में सप्लाई दे रहे हम लोग, यहाँ पे भी सप्लाई दे रहे हैं सिर्फ सिर्फ इसी में, ठीक है। लेकिन ऑटोमेटिक क्या हो रहा है आपका, फ्रेडल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल के हिसाब से, डी फाई बाई डी टी फ्लक्स के हिसाब से आपका ऑटोमेटिक क्या हो रहा है इस वाइंडिंग के अंदर, यानी सेकेंडरी साइड पावर पहुंच जा रहा था यहाँ पे, वही है। एक में सप्लाई देने के चलते क्या होगा आपका, इसके पास ऑटोमेटिक सप्लाई आ जाता है, ठीक है। तो उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन बोल रहा है आपके पास एक इंडक्शन मोटर है। अब इंडक्शन मोटर कहने का मतलब क्या, आपका देखिए ये जो ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर अभी आपको दिख रहा होगा दो वाइंडिंग है, एक पहला वाइंडिंग ये है ना अपना खुद का, और ये आपका दूसरा वाइंडिंग, क्योंकि इसके अंदर भी आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होने के चलते इसके अंदर भी करंट फ्लो होगा। तो जब भी हम लोग ट्रांसफार्मर को स्टडी करते हैं तो इन दोनों वाइंडिंग को स्टडी करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वेलेंट सर्किट डायग्राम का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। इक्वेलेंट सर्किट डायग्राम कहने का मतलब ये दो सर्किट को मैं यूज ना करके इसको पूरा पूरा एक ही सर्किट में कन्वर्ट कर दूं। कैसे करेंगे, तो ये जो आपका रेजिस्टेंस है R2X2, इसको हम लोग इस साइड में भेज देंगे, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस तरीके का आपका होगा R1X1, नेमिंग कर लेते हैं R1X1, ऐसा कैसे रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका कोर है और इधर से जब आप भेजिएगा तो इधर आपका हो जाएगा R2 डैश, ये हो जाएगा आपका X2 डैश, और ये मैंने आपको बताया था इधर शॉर्ट है, इसका मतलब ये पूरा पूरा शॉर्ट कर दीजिए, ओके। और ये हो गया मेरा सप्लाई। तो ये मेरा पूरा पूरा कह सकते हैं ये दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को मैंने इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में डिफाइन कर दिया। उसी तरीके से आप इंडक्शन मोटर में आइएगा तो इंडक्शन मोटर में भी आपका सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। तो अगर आप ट्रांसफार्मर को समझ जाते हैं तो थ्री फेज समझना, आई मीन थ्री फेज इंडक्शन मशीन समझना, या फिर सिंगल फेज इंडक्शन मशीन समझना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम लोग, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ठीक है। और हम लोग अप्रोक्सीमेट लेकर के, अप्रोक्सीमेशन लेकर के हम लोग क्या करते हैं, जो कोर का रिप्रेजेंटेशन बीच में आ रहा है ना, इसको हम लोग पीछे कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इस सर्किट को मैं इस तरीके से दिखा सकता हूँ, ओके। ये जो कोर का रिप्रेजेंटेशन था इसको अगर मैं पीछे रख दूँ, ठीक है, ये आपका अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है। कुछ ना कुछ कैलकुलेशन गलत होगा इसको लेने पे, लेकिन हम लोग ऐसे ही लेकर के चलते हैं स्टडी करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा आपका R1X1 और R2 डैश और X2 डैश, ये क्या हो गया, सब सीरीज में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, R1 और R2 डैश जुड़ जाएगा, X1 और X2 डैश जुड़ जाएगा, और ये फिर आपका हो जाएगा पूरा पूरा ये कोर का हो गया रिप्रेजेंटेशन, और ये आपका R इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है, और ये आपका X इक्विवेलेंट हो गया, ओके। तो ये आपने क्या किया, इतने कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को एक तरीके से मिनिमाइज करके इस तरीके से आपने कर लिया। और अगर आप इस कोर को भी हटा दें, ठीक है, जब हम लोग लोड लगाते हैं तो लोडेड कंडीशन में हम लोग कोर को अवॉइड कर देते हैं, ओके। तो अगर मैं लोडेड कंडीशन लेकर के चलूँ, मान लेते मैं ट्रांसफार्मर लोड है या फिर ये इंडक्शन मोटर पे लोड लगा हुआ है, तो हम लोग इस कोर को भी रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, इसको हम लोग सिंपली हटा देंगे, यानी एक R से दिखाएंगे और एक L से दिखाएंगे, यानी इसका मतलब ये पूरा पूरा मेरा सिंगल फेज मोटर या फिर कहिए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर एक सीरीज सर्किट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, ओके। और एक बात, अगर आप मशीन पढ़ रहे हैं तो मशीन जब तक आप डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तब तक कोई पढ़ने का मीनिंग नहीं निकलता है, क्योंकि हमेशा आपके मन में कुछ ना कुछ डाउट रहेगा ही रहेगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए इतना मैंने आपको बताया कि एक इंडक्शन मशीन या फिर कहिए एक ट्रांसफार्मर को हम लोग कैसे इस छोटे से सर्किट में एक तरह कन्वर्ट करते हैं, ओके। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर दिया हुआ है, ठीक है, और इस मोटर के साथ पैरेलल में हम लोगों ने 160 ओम का रजिस्टर लगा रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सर्किट ड्रॉ करते हैं। ये मैंने लगा दिया एक रजिस्टर 160 ओम का, और पैरेलल में किसके पैरेलल, मोटर। तो अभी जस्ट मैंने बताया मोटर को हम लोग सिंपली इस तरीके से दिखाते हैं, समझे भाई, ऐसे समझिए ये मेरा मोटर का रिप्रेजेंटेशन था,
यहाँ पे सप्लाई, ओके अब इसी के पैरेलल में बोल रहा है ना, मतलब यहाँ पे मुझे लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये आपका 160 ओम का रेजिस्टर है, और यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो फिर इस सर्किट को, ये भी सही है लेकिन हम लोग इस सर्किट को इस तरीके से दिखा सकते हैं, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है, क्योंकि अभी तक जो भी हम लोग बनाते आ रहे हैं उसके साथ फ्रेंडली हो जाएंगे, ठीक है, ये भी आपका वही सेम सर्किट है, ओके ये आपका 160 ओम हो गया, और यहाँ पे मोटर का तो कुछ दिया हुआ नहीं है, ओके बस यहाँ पे बोल रहा है मेन करंट, देखिए टोटल करंट आपका यहाँ से निकल रहा है 3 एम्पियर, ओके, और मोटर जो ले रहा है आपका 2 एम्पियर, ठीक है, मोटर लेने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो करंट आ रहा है 3 एम्पियर है, ठीक है, इसको मैं आईएम कर लेता हूँ, यानी मोटर का करंट, और अभी सप्लाई दिया हुआ आपका 240 वोल्ट, आप यहाँ पे सप्लाई दे रहे हैं, क्या क्या पता करना है आपको, बोल रहा है फाइंड द पावर एंड पावर फैक्टर ऑफ, ठीक है, आपको यहाँ पे पावर निकालना है और पावर फैक्टर निकालना है, केस वन में, यानी वन में मोटर के लिए निकालना है, मोटर के लिए कहने का मतलब मोटर का कितना पावर ले रहा है, इनटेक कितना कर रहा है पावर, और मोटर का पावर फैक्टर क्या है वो पता करना है, दूसरा बोला है होल सर्किट, होल सर्किट मतलब मोटर और रेजिस्टेंस दोनों को इंक्लूड करते हुए, सबसे पहले अगेन यहाँ पे दो ब्रांच बन रहा है, ठीक है, तो हम लोग अपना फेजर डायग्राम मेथड यूज करेंगे, वोल्टेज को हम लोग रेफरेंस ले लेते हैं, अब क्योंकि ये मेरा आर है और ये मेरा एक्सेल होगा, तो यहाँ पे जो आई एम होगा ये करंट कुछ ना कुछ एंगल से लैग करेगा, ये मान लेते हैं मेरा आई एम है, और इधर जो करंट आ रहा है ये मान लेते हैं आपका आई वन है, नेमिंग दे देता हूँ, आई वन तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि वोल्टेज आपका दिया हुआ है, आई वन इक्वल टू हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाय आपका 160, ओके इसको आप काटना पड़ेगा, यहाँ पे 4 से लगाते हैं, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, यानी 3 डिवाइडेड बाय 2, यानी 1.5 एम्पियर, ओके तो अभी ये जो आई वन होगा क्योंकि ये प्योर रजिस्टर है ना, तो इसी के फेज में हो जाएगा, ठीक है, तो इसके फेज में मैं दिखा देता हूँ आई वन, इसको छोटा कर लेते हैं, ये हो गया आपका आई वन, ओके क्वेश्चन में पूछा क्या है आपसे, पावर निकालने के पूछा मोटर का, तो पावर का फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, पहले हम लोग फर्स्ट केस पे काम कर रहे हैं, मोटर के लिए काम कर रहे हैं, पावर इक्वल टू होता है VI cos φ, वोल्टेज तो मुझे पता है, करंट भी मुझे पता है क्योंकि मोटर का यहाँ पे दिया हुआ 3 एम्पीयर करंट ले रहा है, लेकिन मुझे पावर फैक्टर नहीं पता, ठीक है, इस पर्टिकुलर सर्किट का कितना एंगल होगा, ठीक है, वोल्टेज और करंट के बीच में नहीं पता, तो हम लोग को निकालना होगा, देखिए कैसे निकलेगा उसका, देखिए यहाँ से हम लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं, और ये वोल्टेज से कुछ ना कुछ एंगल लैग कर रहा है आईएम, तो यहाँ पे मान लेते हैं मेरा जो एंगल बन रहा है ये फाई एंगल से लैग कर रहा है, सबसे पहले आपको पता है ये जो आईएम है, यानी जो मोटर करंट ले रहा है, ये क्या है, दो पार्ट में टूटेगा कि नहीं टूटेगा, इस आईएम का दो पार्ट होगा, एक आपका एक्स कॉम्पोनेंट और एक आपका वाई कॉम्पोनेंट, ओके तो एक्स कॉम्पोनेंट और वाई कॉम्पोनेंट कैसे निकालेंगे, देखिए आईएम को हम लोग लिखते हैं यहाँ पे एक्स कॉम्पोनेंट, ठीक है, एक्स कॉम्पोनेंट और इधर आपका आईएम का वाई कॉम्पोनेंट, ये इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स कॉम्पोनेंट इधर हो जाएगा वाई कॉम्पोनेंट आई एम के लिए, एक्स कॉम्पोनेंट मतलब क्या, एक्स एक्सिस फेज में, तो एंगल कितना बन रहा है फाइव, इसका मतलब क्या हुआ, ये हो जाएगा आपका आई एम कॉस फाइव, और इसके लिए हो जाएगा आपका आई एम साइन फाइव, ओके और यहाँ पे मोटर कितना करंट ले रहा है क्वेश्चन में दिया हुआ, यहाँ पे 2 एम्पियर ले रहा है, ठीक है, मोटर आपका 2 एम्पियर ले रहा है, इसका मतलब क्या, आई एम की जगह मैं क्या पुट करूंगा, 2 cos φ, और ये हो जाएगा आपका 2 sin φ, इसका मतलब क्या हुआ, आई एम को मैं सिंपली लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा आपका 2 cos φ, भाई आई एम, ये आई एम जो है इसका एक्स कॉम्पोनेंट, देखिए इसका एक्स कॉम्पोनेंट और इसका एक वाई कॉम्पोनेंट इसी से मिल करके बना हुआ है ना, समझ रहे हैं, तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इस तरीके, दोनों को जोड़ करके ही बना हुआ है, ठीक है, तो एक्स कॉम्पोनेंट कितना मेरा 2 cos φ, तो 2 cos φ मैंने लिख दिया, और यहाँ पे देखिए इस आई एम के लिए, भाई आई एम के लिए क्या आएगा, जो वाई कॉम्पोनेंट और नीचे आएगा ना, नीचे मतलब क्या, ये वैल्यू जो आएगा माइनस में आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ प्लस, और इसको माइनस कर लीजिए भाई, ये आपका यहाँ पे इसमें इसमें आ रहा है ना, इसमें तो क्या माइनस में है ये, ठीक है, तो प्लस देते हैं हम लोग, और ये हो जाएगा माइनस 2 sin φ,
ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 cos φ माइनस 2 sin φ। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब समझिए, मुझे यहाँ पे फाई का वैल्यू चाहिए ना, ये फाई कितना है। देखिए, मुझे टोटल करंट चाहिए। टोटल करंट कहने का मतलब ये जो आ रहा है 10 से 3 एम्पियर, क्या होगा आपका टोटल करंट कहने का मतलब, जो मोटर करंट ले रहा, मोटर कितना 3 एम्पियर, यानी IM प्लस I1 का सम, यानी I1 प्लस I1 का फेजर सम। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लगाते हैं I टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका, करिए ना फेजर एडिशन करना है हम लोग को। ठीक है, लेकिन आप समझिए फेजर एडिशन करने का मतलब डायरेक्ट हम लोग पैथागोरस थ्योरम नहीं लगा रहे हैं, ये आपका रिजल्टेंट करंट है यहाँ पे। ओके, हम लोग IM को एक्स कॉम्पोनेंट वाई कॉम्पोनेंट में ब्रेक कर रहे हैं, और I1 को भी हम लोग एक्स कॉम्पोनेंट वाई कॉम्पोनेंट में ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, सबका एक्स कॉम्पोनेंट एक साथ जोड़ देंगे और सबका वाई कॉम्पोनेंट एक साथ जोड़ देंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग लिखते हैं टोटल करंट मतलब क्या, IM प्लस I1 का फेजर सम। फेजर सम होगा ये, तो हम लोग लिख सकते हैं IM की जगह क्या लिखूंगा मैं, ये वैल्यू लिखा नहीं, क्यों लिखूंगा बोलिए, क्योंकि ऑलरेडी किस में है ये एक्स कॉम्पोनेंट है, इसका वाई कॉम्पोनेंट है। मैं लिखता हूँ 2 cos φ माइनस 2 sin φ। ओके, प्लस है, प्लस देंगे I1। I1 मैंने जस्ट कैलकुलेट किया हुआ है। ओके, और क्योंकि ये इस साइड में है, ये फेज में है ना, समझिए, तो इसका ये सिर्फ और सिर्फ एक ही यानी रियल पार्ट ही होता है इसका। ठीक है, ये 1.5 हो जाएगा आपका भाई, ये वेक्टर है। ठीक है, I1 इसका एक्स कॉम्पोनेंट भी इसी में आएगा, वाई वाई कॉम्पोनेंट भी इसी में आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको अगर ब्रेक करते हैं, इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका, इसमें ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो इसको आप ऐसे कर लीजिए, J0 कर लीजिए। ठीक है, ये आपका रियल पार्ट हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया, इन दोनों को जोड़ना है। इसका रियल पार्ट है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 cos φ प्लस 1.5। रियल पार्ट को एक साथ मैंने जोड़ दिया, प्लस माइनस माइनस आपका J2 sin φ, यहाँ पे आप J लगा दीजिए। ओके, तो ये आपका आ गया I टोटल, लेकिन ये किस में है, ये आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। ओके, इसको मुझे पोलर फॉर्म में चेंज करना है। पोलर फॉर्म में चेंज करना है इसका मतलब क्या, मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो पहले मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड क्या होगा आपका रूट अंडर, लिखिए I बराबर, या फिर इधर रूट जो हो जाएगा आपका 2 cos φ प्लस 1.5 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका माइनस 2 sin φ का स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर पे टूट जाएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा ये, तो ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर cos²φ प्लस 1.5 का स्क्वायर कीजिएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2.25 प्लस 2 into AB, यानी 2 cos φ इंटू 1.5। ओके, और इसका जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, प्लस 4 sin²φ। ओके, और रूट है तो रूट को मैं उस साइड में भेज देता हूँ, ज़्यादा इजी होगा हम लोग के लिए, तो इधर आपका I टोटल का स्क्वायर रहेगा। ओके, तो I स्क्वायर बार क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पे इसको 2 का स्क्वायर है ना, यानी इसको मैं डायरेक्ट 4 कर देता हूँ। ठीक है, ये 4 हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पे ही 4 है, इसमें ही 4 है, तो 4 मैं कॉमन ले ले रहा हूँ, तो 4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, इसके बाद cos²φ बचेगा। हाँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका sin²φ। ओके, और बाकी वैसे का वैसे ही रहेगा, तो इसको पहले मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। प्लस 2.25 प्लस 2 into 2 cos φ इंटू 1.5। ओके, अब आपको पता है sin²θ प्लस cos²θ 1 होता है, यानी पूरा 4 हो जाएगा, प्लस 2.25 प्लस 2 into 2 cos φ इंटू 1.5, और इधर हो जाएगा आपका I स्क्वायर।
देखिए आई का वैल्यू आपका दिया हुआ, टोटल करंट आपका दिया हुआ, यानी इधर हो जाएगा आपका 9, और इसको जब आप कैलकुलेट कीजिए यानी ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 6.25 प्लस ये हो जाएगा 6 cos 5। इसको जब सॉल्व की 2 2 4 इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 cos 5 होगा, इन दोनों को जोड़िएगा तो 6.25 होगा। यहाँ से आपका cos 5 का वैल्यू आ जाएगा, ये हो जाए आपका 9 माइनस 6.25 डिवाइडेड बाय 6, यहाँ से आ जाएगा आपका 0.458 लैगिंग। ओके, क्योंकि मोटर है ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी करंट आएगा ये जो IM 3 एम्पीयर, आई मीन 2 एम्पीयर है ना, यहाँ पे 2 एम्पीयर करंट ले रहा है, वो लैग करेगा आपके सप्लाई वोल्टेज से। ठीक है, तो पावर फैक्टर आपने निकाल लिया। अब आप यहाँ से पावर कैलकुलेट कर लिए, वोल्टेज आपका दिया हुआ है 240, करंट आपने जस्ट पता है आपका 2 एम्पीयर, कॉस 5 यानी पावर फैक्टर आपका आ गया 0.458। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आपका पावर आ जाएगा 219.84 वॉट। ओके, तो पहला आपका ये कैलकुलेट हो गया। अब सेकंड है आपका होल सर्किट का। होल सर्किट कहने का मतलब, देखिए थोड़ा सा हम लोग न्यू पेज पे आते हैं और अभी हम लोग इस न्यूमेरिकल को भी कर लेंगे। तो पहले हम लोग फिर से फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। मैंने वोल्टेज को रेफरेंस लिया था, आपका I1 यानी जो आपके प्योर रेजिस्टेंस के पास करंट जा रहा था आपका I1 था, ये आपका IM है और ये आपका फाई एंगल बना रहा है। ठीक है, आप समझिए I1 और IM का जो रिजल्टेंट करंट होगा ये कहीं इधर कहीं आएगा, इस तरीके से आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका एंगल बनेगा, ये आपका मेन करंट है I और ये आपका मेन वोल्टेज है। इसका मतलब क्या, ये जो एंगल बनेगा वोल्टेज और करंट के बीच में, मान लेते हैं फाई वन। तो मेरा अभी कॉन्सेप्ट है यहाँ पे फाई वन कैलकुलेट करना। ठीक है भाई, सेकेंड में क्या पूछा है, सॉरी ये तो क्वेश्चन ही दूसरा है ना। ठीक है, सेकेंड में आपसे पूछा होल सर्किट का पावर फैक्टर आपको बताना है और पावर कंजम्पशन बताना है। ठीक है, तो होल सर्किट का पावर फैक्टर बताना है, मुझे अभी फाई वन चाहिए, फाई वन निकालना होगा मुझे। क्लियर हुआ? तो देखिए इसका दो मेथड है। सबसे पहले IM को मैं लिखता हूँ, IM को मैं दो पार्ट में तोड़ सकता हूँ, इधर एक्स कॉम्पोनेंट इधर आपका वाई कॉम्पोनेंट। तो IM का एक्स कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा आपका IM, यानी IM कितना है आपका 2 cos 5 था और वाई कितना था आपका 2 sin 5। ओके, और उसी तरीके से अगर मैं आई वन का अगर एक्स कॉम्पोनेंट निकालूं तो क्या हो जाएगा आपका I1 cos 0 degree। ठीक है, ये आपका एक्स कॉम्पोनेंट है। अब समझिए मैं क्या कर रहा हूं, हेलो हेलो, हाँ प्रणाम दीदी, काम कर रहा हूँ, बाद बात करता हूँ, काम कर रहा हूँ अभी। ठीक है, करता हूँ 10 मिनट। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स कॉम्पोनेंट और एक्स कॉम्पोनेंट एक साथ जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो I cos 5 1। ठीक है, 5 1 क्यों लिखा मैंने, देखिए इस मेथड से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड थोड़ा सा आप लोग के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे थे कि IM का एक्स कॉम्पोनेंट और I1 का एक्स कॉम्पोनेंट दोनों को जोड़ करके एक्स कॉम्पोनेंट का जो रिजल्टेंट करंट होगा उसके बराबर कर देते। ठीक है, ऑलरेडी कल मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है, तो उतना करना जरूरत नहीं है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए आपको पता है I1 का और IM का जो फेजर सम होगा वो I के बराबर होगा। ठीक है, और अभी जस्ट हम लोगों ने I का वैल्यू निकाला, I क्या है आपका IM प्लस I1 का फेजर सम है। ठीक है, तो अभी IM का वैल्यू कितना था, ये था आपका 2 cos 5 प्लस आपका माइनस, यहाँ पे लिखिए माइनस J2 sin 5, ये था आपका। ठीक है, और I1 जस्ट अभी निकाला था हम लोगों ने, ये था आपका 1.5 प्लस J0। भाई इस IM को तोड़िएगा ना, एक आपका एक्स कॉम्पोनेंट और एक वाई कॉम्पोनेंट, तो ये इसका एक्स कॉम्पोनेंट है और ये मैंने वाई कॉम्पोनेंट निकाला, क्योंकि वाई कॉम्पोनेंट माइनस में क्यों रखा है जस्ट बता, अभी ये नीचे की तरफ आएगा। ओके, तो अभी हम लोगों ने रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ जोड़ा था, तो ये आ गया था आपका 2 cos 5 प्लस 1.5, ये रियल पार्ट हो गया, और ये हो जाए आपका माइनस J2 sin 5। ठीक है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो अभी जस्ट ये किस फॉर्म में है आपका, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, इसको मैंने कन्वर्ट किया था किस में, पोलर फॉर्म में।
पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, मतलब क्या इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या किया था हम लोगों ने, रूट, तो रूट को इस साइड में रहने देते तो स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाए आपका 2 cos φ का प्लस 1.5 का होल स्क्वायर प्लस 2 sin φ का होल स्क्वायर। फाई क्या है, फाई है आपका ये वोल्टेज और ये IM करंट के बीच में, ठीक है। अभी जस्ट हम लोग पावर फैक्टर निकाला ना भाई, अभी हम लोगों ने cos φ मतलब क्या, ये वाला एंगल निकाल रखा है। cos φ कितना आया था अभी जस्ट पहले वाले सर्किट में, ये था आपका 0.458, ठीक है। तो यहां से मैं फाई का वैल्यू निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता हूँ, ये फाई हो जाएगा cos inverse 0.458, ठीक है। तो यहां से आपका फाई का वैल्यू आ जाएगा करीब 62.74 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, जहां जहां मेरा फाई है वहां वहां मैं ये वैल्यू आराम से पुट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे, आई स्क्वायर वैसे का वैसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 2 cos और फाई की जगह मैं पुट कर 62.74 प्लस 1.5 और ये हो जाएगा उसका स्क्वायर कर लिए प्लस 2 sin 62.74 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से जो रिजल्टेंट मिलेगा, करंट जो मिलेगा आपको, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो यहाँ पे लिखते हैं, जो आपको रिजल्टेंट करंट मिलेगा I, ये होगा आपका 2.416 माइनस जे 1.78, ओके। ये आपका रिजल्टेंट करंट होगा। अब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पोलर फॉर्म में चेंज करते ही आएगा आपका 3। और अभी जस्ट हम लोग यहाँ से एंगल भी निकाल सकते हैं, एंगल कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा 10 inverse -1.78 / आपका हो जाएगा 2.416, ठीक है। तो यहाँ से आप एंगल निकालिएगा तो हो जाएगा -36.38 डिग्री, ओके। तो मैग्नीट्यूड तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था है कि ये 3 एम्पेयर करंट ड्रॉ कर रहा है पूरा सर्किट, लेकिन एंगल नहीं पता था ना। तो एंगल हम लोगों ने क्या किया, इसी वाले डेरिवेशन में बस फाई का वैल्यू पुट कर दिया, हम लोग यहाँ से इजीली एंगल निकाल लिए, ठीक है। तो मेरा सप्लाई वोल्टेज जो था 240 एंगल 0 डिग्री पे था, और ये आपका आई, आई मतलब क्या, ये वाला करंट, ठीक है, ये वाला करंट, ठीक है। ये करंट क्या है, वोल्टेज से कितना एंगल बना रहा है, -36.38 डिग्री, ठीक है। माइनस मतलब क्या, नीचे, ओके। क्योंकि भाई ये वोल्टेज 0 पे, इधर अगर एंगल बन रहा है तभी तो ये माइनस में है ना लिखा हुआ, क्योंकि हम लोग एंगल हमेशा क्लॉकवाइज लेते हैं, ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ से अगर एंगल देखे तो हम लोग को इधर घूमना होगा ना, इसलिए माइनस में। इसका मतलब क्या है, लैगिंग, वैसे फेज सब में देख रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मेन वोल्टेज और मेन करंट के बीच में जो आपका एंगल है, जो मैंने 5.1 बोला था, ये 5.1 क्या है आपका, -36.38। तो आपको 5.1 पता चल गया, तो यहाँ से आप सिंपली पावर फैक्टर निकाल सकते हैं पूरे सर्किट का। तो ये हो जाएगा कॉस -36., या फिर माइनस लिखे चाहे नहीं लिखे, आपको ऑलरेडी पता है लैगिंग होगा, तो आप सिंपली यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका 0.805 लैगिंग, ओके। और ये आपका पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर पता चल गया, तो यहाँ से पावर निकाल सकते, पावर इक्वल टू वी, वी कितना 240, करंट कितना आपका 3, ठीक है। पावर फैक्टर आपको यहाँ पे दिया हुआ 0.85, यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाए आपका 579.6 वॉट, ओके। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो कल मैंने आपको वीडियो में बताया था एक्स कंपोनेंट को एक साथ रखेंगे, ठीक है, तो वहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें बस आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। अगर आप एक दो न्यूमेरिकल इस तरीके से देखिएगा, खासकर वीडियोस में, ठीक है, बिना कोई प्रैक्टिस किए हुए तो कभी भी आपका ये जो कैलकुलेशन है ये स्ट्रांग नहीं होने वाला है। ये फेज, अभी जिन्हें भी फेजर अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो ये सब बहुत बाउंस करेगा, ठीक है। बल्कि इसमें कोई जान नहीं है, ठीक है। एक बार आप फेजर अलजेब्रा पढ़ लीजिएगा अच्छे से तो आपको समझ में आएगा मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ एक्चुअली। देखिए ये आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है आपके पास 3 इम्पिडेंस है और ये इम्पिडेंस का जो दिया हुआ वैल्यू कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया हुआ है, ओके। और ये तीनों इम्पिडेंस पैरेलल में है 250 वोल्ट सप्लाई से। आपको यहाँ पे एडमिटेंस निकालना है, सप्लाई करंट निकालना है और पावर फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग सर्किट ड्रॉ करते हैं। ये मान लेते हैं मेरा एडमिटेंस 1 है, यानी Z1, सॉरी इम्पिडेंस दिया हुआ ना, ये आपका Z2 और ये हो जाएगा आपका Z3, ओके। और यहाँ पे आपका सोर्स लगा हुआ है, ये आपका 250 वोल्ट। देखिए मैं
मैंने आपको बताया था एसी पैरेलल सर्किट को सॉल्व करने का चार मेथड है, जिसमें आपका एक एडमिटेंस मेथड भी था, इम्पिडेंस मेथड भी था, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिटेंस निकालने क्यों बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो आपका ब्रांच है ना, ये ब्रांच दो से अधिक हो गया, ठीक है। तो दो से अधिक ब्रांच तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आ जाता है यहाँ पे, तो ईजी वे में यानी इस पूरे सर्किट को ईजी करने के लिए हम यहाँ पे एडमिटेंस मेथड यूज़ करते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। ओके, तो अभी हम लोग अपने इम्पिडेंस को क्या कर सकते हैं, जैसे अगर मुझे एडमिटेंस चाहिए तो एडमिटेंस क्या होता है, 1/Z1, रेसिप्रोकल है ये। ओके, और मैंने आपको बताया था अगर एडमिटेंस आप कैलकुलेट कर ले रहे हैं और एडमिटेंस अगर आपका पैरेलल में कनेक्टेड है तो वो सीधे सीधे ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है, ठीक है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम लोग एडमिटेंस मेथड क्यों नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आपको जेड इक्वेलेंट निकालना क्या करना होगा, 1/Z1, इस तरीके से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आता है, ठीक है। तो अभी हम लोग Z1 क्या दिया हुआ आपका, 70.7 प्लस J 70.7 ओम, इसको हम लोग चेंज करेंगे पोलर फॉर्म में, ठीक है। आप बोलिए पोलर फॉर्म में क्यों चेंज कर रहे हैं आप, क्योंकि भाई मुझे रेसिप्रोकल लेना है ना, ठीक है। अगर मैं ये पूरा पूरा वैल्यू कॉम्प्लेक्स फॉर्म में यहाँ पे पुट करूँ तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आएगा मेरे लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग सिंपली सॉल्व कर रहे हैं, और ये सब आपको तभी आइडिया लगेगा जब आप ढेर सारा न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं खुद से, ठीक है। एक दो न्यूमेरिकल सीखने से नहीं होगा कभी भी, ये हो जाएगा 100 एंगल 45 डिग्री ओम। ओके, अब यहाँ से हम लोग सीधे सीधे Y1 निकालने की बात करें तो ये हो जाएगा 1/Z1, ये हो जाएगा आपका 1, और Z1 का वैल्यू अभी जस्ट 100 एंगल 45 कैलकुलेट किया है, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 0.01 एंगल -45, ठीक है। और एडमिटेंस है तो इसका यूनिट साइमन में होगा, और इसको अब अगेन हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर आई मीन पोलर फॉर्म में है तो इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है। इसको आप सॉल्व किया, बोलिए ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को ऐड करना है, एडमिटेंस सबको ऐड करना, तो ऐड किस में होता है आपका, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, ठीक है। रियल पार्ट को एक साथ जोड़ देंगे, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ जोड़ देंगे, ठीक है। अगर मैं यहीं पर छोड़ दूँ इसको, क्योंकि मुझे पता है इसको जब हम लोग एडमिटेंस में कन्वर्ट करेंगे, इसको भी जब हम लोग एडमिटेंस में कन्वर्ट करेंगे, ओके, तो इन तीनों एडमिटेंस को जोड़ना होता है, ठीक है। तो अगर आप इसको इसी फॉर्म में छोड़ देते हैं, यानी पोलर फॉर्म में छोड़ देंगे, तो पोलर फॉर्म में ऐड थोड़ी ना होता है, ठीक है। तो ऐड करने के चक्कर में हम लोग इसको कन्वर्ट कर रहे हैं उसमें, ओके। तो इसमें बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, 0.0707 - J 0.00707 साइमन, ठीक है। उसी तरीके से आप Z2 ले लीजिए, तो Z2 का मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, यानी इस पूरे डाटा को आप कन्वर्ट कीजिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 200 एंगल 53.1, और यहाँ से आप Y2 निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 1/Z2, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 0.05, यहाँ पे बस ये वाला वैल्यू आपको यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। कैल्सियम में डाल के आप निकाल लीजिए, -53.1 साइमन है। इसको अगेन हम लोग चेंज करेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, 0.03 - J 0.004 साइमन। उसी तरीके से आप Z3 निकाल लीजिए, तो Z3 का वैल्यू अगेन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ये हो जाएगा आपका 150 एंगल 36.9 ओम, और यहाँ से आप Y3 निकाल लीजिए, ये हो जाएगा आपका 1/Z3, और यहाँ पे Z3 का वैल्यू पुट किया तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा 0.0067 एंगल -36.9 साइमन। और इसको अगेन हम लोग चेंज कर लेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, तो ये हो जाएगा आपका 0.0053 - J 0.004 साइमन। अब देखिए तो मुझे यहाँ पे Y1 पता चल गया, Y2 पता चल गया और Y3 पता चल गया, तो तीनों को हम लोग जोड़ते हैं पैरेलल में, ठीक है। तो तीनों कैसे जोड़ेंगे, रियल पार्ट इसका, रियल पार्ट इसका और रियल पार्ट इसका, ये तीनों एक साथ जुड़ जाएगा, उसी तरीके से इमेजिनरी पार्ट एक साथ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ, वाई टोटल इक्वल टू हो जाएगा आपका Y1 + Y2 + Y3, और इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका 0.0154, ये आपका रियल पार्ट हो गया, -J 0.015, ओके। और अगेन इसको हम लोग चेंज करते हैं किस में, बोलिएगा अगेन आप
पोलर फॉर्म में क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि मुझसे क्या पूछा है यहाँ पे, टोटल एडमिटेंस तो आपका तो एक निकल ही गया, टोटल एडमिटेंस आपका ये आया, ठीक है। अब सप्लाई करंट भी निकालना, तो आई इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय इंपेडेंस, लेकिन इंपेडेंस मेथड थोड़ी ना यूज़ कर रहे हैं हम लोग, इंपेडेंस मेथड आई मीन जेड इक्वल थोड़ा ना निकाल रहे हैं यहाँ पे, हम लोगों ने क्या निकाला है, एडमिटेंस का इक्वल निकाला, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ वी वैसे का वैसे रहेगा, जेड की जगह मैं क्या पुट करूँ यहाँ पे, टोटल लिखना होगा, तो ये हो जाएगा वन, जेड टी की जगह मैं वाई टी लिख दूंगा कि नहीं लिखूंगा, बोलिए तो ये ऊपर चला जाएगा, नहीं आई बराबर हो जाएगा यहाँ पे वोल्टेज इंटू टोटल एडमिटेंस, इसका मतलब क्या हुआ, वोल्टेज और टोटल एडमिटेंस यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, तो मल्टीप्लीकेशन किस में हम लोग करते हैं, बोलिए पोलर फॉर्म में, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे। ये हो जाए आपका 0.0215 और एंगल हो जाएगा आपका -44.3, ठीक है। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करिए, वोल्टेज मेरा दिया हुआ यहाँ पे 250 और टोटल एडमिटेंस जस्ट निकाल लिया 0.0215 और ये हो जाएगा -44.3। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से जो आपका करंट मिलेगा ये आ जाएगा 5.37 एंगल -44.3 डिग्री एम्पियर। ओके, तो करंट पता चल गया, वोल्टेज, वोल्टेज क्योंकि 250 है इसका मतलब एंगल 0 पे है, ठीक है, वोल्टेज 0 पे है और करंट आपका -44.3, तो यही आपका क्या होगा, 5 एंगल होगा ना वोल्टेज और करंट के बीच में, तो आप सिंपली कॉस ये हो जाए आपका 44.3, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से पावर फैक्टर आ जाएगा 0.71 और ये क्या होगा आपका लैगिंग होगा। ओके, लैगिंग क्यों होगा, क्योंकि माइनस लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, माइनस मतलब क्या, ये इस तरीके से नीचे आएगा आपका वोल्टेज से।